हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, आज सीरीज का अगला वीडियो है जो कि बैक फुट पंच के ऊपर है। बैक फुट पंच आजकल की क्रिकेट में सबसे बड़ी शॉट है, क्योंकि जैसे ही नई बॉल 5 से 7 ओवर डलती है, उसके तुरंत बाद जो बॉलर है वो गुड लेंथ और शॉर्ट अप लेंथ में बॉल डालना शुरू कर देता है, जिसके लिए बैक फुट पंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बॉल आपकी कमर लेवल से नीचे को आती है या थोड़ा बहुत यहाँ भी आती है, तो हल्का सा एडजस्ट करके मारते हैं प्लेयर। विराट कोहली को देखा होगा, शुभमन गिल जो है बहुत ज़्यादा मारते हैं बैक फुट पंच, और पाकिस्तान के बाबर आजम भी बहुत ज़्यादा मारते हैं। मोस्टली सभी मारते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मारते हैं। बहुत अच्छा शॉट है शुभमन गिल का, बहुत बढ़िया शॉट है बैक फुट पंच। ये वैसे तो बैक फुट में जाके होता है, बैक फुट पंच बोलते हैं इसको, बैक फुट में जाके होता है, लेकिन बॉल इतनी तेज़ 140-150 की स्पीड से आती है कि हल्का सा पैर हिलाते हैं, हल्के समय भी वो बैक फुट पंच मार देते हैं, इतना बढ़िया उनका बैलेंस है। तो बैक फुट पंच आज के टाइम पे सीखना बहुत ज़रूरी है। सचिन अच्छा पंच मारता है, लेकिन उसकी शॉट में बिल्कुल पावर नहीं आता, जिसकी वजह से चौका नहीं जा पाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मैंने अंडर 14 में देखे, जो बैक फुट पंच मार रहे थे लेकिन एक रन भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके हाथों में उतना पावर होता नहीं। और ख़ास तौर से पहले फास्ट बॉल में सीखेंगे, स्पिन बॉल में भी सीखेंगे, क्योंकि फास्ट बॉल में सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली जो प्रायोरिटी है फास्ट बॉल की ही है जब आप ट्रायल देने जाएंगे, दोनों में देखा जाएगा आपका, स्पिन में भी उसमें भी। तो बैक फुट पंच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो जो गलती होती है वो बताऊँगा, क्योंकि आप YouTube में कहीं भी वीडियो देखेंगे गलती कोई नहीं बताता, ऐसे खेला जाता सब बता दे गलती नहीं बताते, तो गलती बताऊँगा। सबसे पहले तो कौन सी बॉल में खेलते जो कमर के ऊपर आ रही, चाहे वो सीधे आपकी स्ट्रेट में आ रही हो और ऑफ में आ रही हो। दो, लेग की बॉल को तो यहाँ से बैक फुट पंच बहुत कम मारते हैं, स्ट्रेट की बॉल में पंच मारते हैं ऐसे करके आगे की तरफ, और जो हल्का सा बॉल ऑफ में आता है कमर के उसमें हल्का सा बैक एंड अक्रॉस पैर ले जाके फिर जाके इस पैर को पीछे घसीटते हैं ऐसे करके, ऐसे मारते हैं। लेकिन आजकल फास्ट बॉल आती है तो उसमें खड़े खड़े अगर ऐसे भी हैं तो यहीं से ऐसे मारते हैं, पैर हिलाने का भी मौका नहीं मिलता, यहीं से मारते हैं ऐसे करके, तो उसको पैरों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो देखने वाली बात है, जो बच्चे गलती करते हैं वो इस हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं, दूसरा पंच मारते समय इस हाथ को, इस वाले रिस्ट को तोड़ देते हैं, जैसे ड्राइव में मैंने बताया था ऐसा कर दिया तो कैच उड़ जाएगा, इसको इससे डाउन की तरफ पुश करना है बॉल को, इसको टाइट रखना है, इसको टाइट ही रखना है हमेशा। देखिए सिंगल हैंड से करूँगा, ऐसा पोजीशन आना चाहिए जब बैट बॉल का कांटेक्ट होगा आपका, ये जो है तिरछा रहेगा बल्ला, अगर ये उस टाइम पे इस हाथ से ज़्यादा जोर लगा लिया ये आगे चला गया तो आपका कैच उड़ जाएगा हवा में। इसलिए शॉट मारते समय इस हाथ इसको तोड़ इस रिस्ट को तोड़ना नहीं है, और इससे हल्का सा पुश करना है, एडजस्ट करना है। अगर थोड़ा सा ऊपर बॉल आता है तो आपने पंजू में खड़े हो जाना है, नहीं तो अदरवाइज़ नीचे रहता है तो नीचे भी चलेगा। और दूसरी बात, बॉल मेरे इस लाइन में आ रही है तो आपका हेड बॉल के सामने होगा, इस तरह से जाएगा ये, और आपने नीचे से ऊपर को राइज होना, ऐसा नहीं पहले से खड़े हैं ऐसे खड़े खड़े मारेंगे। बॉल जैसे यहाँ से ऑन द राइज ऊपर को जाती है, वैसे ही आपका बॉडी भी ऊपर को जाएगा, इस तरह से बॉल के साथ में ऊपर जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, आपने स्टार्टिंग में कमर की लेवल में फुल टॉस बॉल डालनी है, फुल टॉस बॉल डालनी है। अब बैक लिफ्ट कैसे आएगा, जहां बॉल आ रहा है उसके साइड में हल्का सा ऐसे एल्बो जाएगा, मैं पहले बताया था कंधा एल्बो उस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, और बॉल जितना हो सके बॉल की लाइन में आपका दाहिना पैर जाएगा इस तरह से। अगर आपका बॉल इतना दूर जा रहा है और आपका पैर यहाँ पर से है इतना दूर है, तो बॉडी से बॉल आपका दूर हो जाएगा, इसलिए कोशिश करना यहाँ पर ले जाओ बॉल की डायरेक्शन में ले जाओ पैर, और फिर बिल्कुल एकदम सामने आपका हेड भी आएगा, और यहाँ से बैक लिफ्ट भी एल्बो भी ऐसे जाएगा सीधा, और बैक लिफ्ट बिल्कुल सीधा आएगा, और ठक से उसमें एकदम से मारोगे। ध्यान रहे जैसे मैंने बताया बॉटम हैंड टाइट नहीं रखना, टॉप हैंड ही टाइट रखना है, तो इस हिसाब से आपने ठक से मारना है, प्रैक्टिस करनी है फुल टॉस बॉल से, रेगुलर फुल टॉस बॉल कमर की लेवल में थोड़ा ऊपर भी डालना है, क्योंकि जब बॉल ऊपर आती है तो यहाँ से डिफेंस भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर की बॉल आपने पंच मारने का कोशिश किया बैट खड़ा हो जाएगा और क्या छूट जाएगा, इसीलिए बीच में ऊपर बॉल डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया आ सके कि अगर ऊपर आती तो मैंने डिफेंस ही करना, उसको मारना नहीं है, और थोड़ा नीचे आता तो उसको पुश करके पंच मारना है। ये आपने रेगुलर करना है, फुल टॉस बॉल में करना है, उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा दूर टप्पा देके जिस लेंथ से बॉल उठती है गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ से आती है बॉल,
उसमें आप बॉल रेगुलर टप्पा देके रेगुलर प्रैक्टिस करें। आप उसके साथ में जो मैंने बताया है, एल्बो ऊपर रहेगा, एल्बो बिल्कुल ये जो ये वाला है ये कान के पास में जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका मारते समय ऐसा हो एल्बो, ये एल्बो यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं करना। इसका मतलब आप इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं तो आपका शॉट हवा में जाएगा, आपका बैलेंस सही नहीं जाएगा। इसको हमेशा पैरेलल ही रखना है, यहाँ से टूटने नहीं देना है। इसीलिए ये अगर आपका पैरेलल होगा ये टूटेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक एल्बो आपका अप जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये दो चीज़ आपने सुधारनी है। उसके बाद रेगुलरली एंगल से भी बॉल डाल के, लेग की एंगल से ऑफ की तरफ भी निकाल के देना है, और सामने से भी बॉल को लाना है और लगातार पंच हिट करते जाना, तब जाके आपका ये शॉट एकदम परफेक्ट होगा। साथ में हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस करें, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाए, आपका शॉट एकदम परफेक्ट होगा। और एकदम से जान नहीं आएगी, स्टार्टिंग में आपका बहुत स्लो जाएगा, एक रन दो रन के लिए जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बॉल जितनी तेज़ आएगी उतना ही तेज़ आपका शॉट बिल्कुल चार रन के लिए जाएगा। गाइज आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सीरीज से आप जुड़े रहिए।